सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। प्रयागराज में खतरे के निशान से नीचे पहुंचा गंगा यमुना का जलस्तर, प्रशासन ने ली राहत की सांस। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ से लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि 3 दिनों तक धीरे धीरे बढ़ने के बाद गंगा और यमुना में बाढ़ कम हो गई और मंगलवार को प्रयागराज जिले में नदियां खतरे के स्तर से नीचे बह रही थी। निचले इलाकों में अभी भी भरा है पानी। उफनती नदियों ने जिले के कई निचले इलाकों को जलमग्न कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों को जगह खाली करनी पड़ी है। गंगा का पानी बड़े हनुमान मंदिर के पास तक पहुंच गया था, जिससे कई लोगों ने अनुमान लगाया कि मंदिर और इष्ट देव जलमग्न हो सकते हैं। यह घटना स्थानीय लोगों द्वारा पवित्र मानी जाती है। प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे अधिकारी। हालांकि संगम और बड़े हनुमान मंदिर के पास नदियों का नजारा देखने के लिए अभी भी भारी भीड़ पहुंची। शनिवार आधी रात के बाद अचानक जलस्तर बढ़ने से महावीर मार्ग और अक्षयवट मार्ग पर दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी थी। इस बीच जिला और बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।